ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट क्वेश्चन नंबर हाँ बोलो डाउट 1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि ये फर्स्ट फिगर है ये दूसरी ये तीसरी और ये चौथी तो पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है करंट है तो करंट इसमें 7 एम्पियर है बातें खत्म हो गई इसमें पॉजिटिव राइट जा रहा है और नेगेटिव लेफ्ट जा रहा है यही नेचर का लॉ है अगर पॉजिटिव राइट है और नेगेटिव लेफ्ट है तो करंट ऐड हो जाएंगे 4 और 3 7 इसके अंदर पॉजिटिव राइट जा रहा है नेगेटिव लेफ्ट जा रहा है यही ऐसा ही होता है तो दोनों करंट ऐड हो गए कितने 7 लेकिन इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में जा नहीं सकते तो अगर नेगेटिव ने करंट कॉन्ट्रीब्यूट किया 6 तो पॉजिटिव को इधर जाना चाहिए था और अगर नहीं गया तो ये करंट नेगेटिव होगा यानी कि 5 अब मार्क कर लेना क्या ये पॉइंट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट 3 4 यस सर 4 में डाउट है 4th में T1 T2 टेंपरेचर्स गिवन है ग्राफ VI ग्राफ है थीटा और ये थीटा गिवन है आपको T2 माइनस T1 की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है तो मुझे पता है जो रेजिस्टेंस है वो R01 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा T से तो चेंज इन रेजिस्टेंस इसके इक्वल है तो मुझे ये पता है कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी तो अगर इस पार्ट की रेजिस्टेंस R1 है तो टेम्परेचर T1 है इसमें R2 तो T2 है तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी इसकी स्लोप होगी यानी कि V/I स्लोप क्या होगी टेन थीटा तो टेन थीटा इसकी रेजिस्टेंस है R1 दैट इज प्रोपोर्शनल टू T1 इक्वेशन नंबर 1 और इसके अंदर क्या होगा ये थीटा तो ये क्या है 90 माइनस थीटा तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू के इंटू T2 तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे कॉट थीटा तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है दोनों को अगर माइनस कर लें ताकि T2 माइनस T1 आ जाए तो कॉट थीटा कॉस बाय साइन है टेन थीटा साइन बाय कॉस है तो यहां से एलसीएम लेके ये टर्म आ गई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा कॉस बाय साइन क्या है कॉट आंसर कॉट में आएगा ठीक थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व्ड है क्या पॉइंट क्लियर है हां जी बोलो 90 माइनस थीटा कैसे T2 क्योंकि एक्स के साथ एंगल देखा जाता है ना ये वाई के साथ है tan थीटा tan 90 माइनस थीटा ऐसे ओके हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करा मैथ्स का रूल है ना क्योंकि ऐसे आंसर आ नहीं रहा था आंसर में cot 2 थीटा दिख रहा था तो क्योंकि मैथ्स में 2 into sin into cos sin 2 थीटा होता है मैथ्स का रूल है और ये cos 2 थीटा होता है मैथ्स का रूल है ठीक है इसलिए ओके सर एक्सपीरियंस से आएगा प्रैक्टिस से क्वेश्चन नंबर 5 6 5 5 रेजिस्टेंस आर ऑफ टी ऑफ अ कंडक्टर वेरीज विद टेंपरेचर एज शोन इफ द वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला तो इसमें ग्राफ क्या होगा देखो मैथमेटिकली अगर बात करें तो ये जो इक्वेशन है जिसमें अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसका ग्राफ है पैराबोला आएगा ऊपर की तरफ आता है याद ही करना है हाँ कोई मुझे ये कह सकता है कि अगर ये दोनों अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो ऐसा होगा तो कोई ये भी कह सकता है कि अगर अल्फा छोटा हुआ नेगेटिव हुआ और बीटा पॉजिटिव हुआ तो भी तो ओवरऑल पॉजिटिव ही हो गया ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा नहीं है मैथमेटिकली मैं नहीं कर पाऊंगा स्टैंडर्ड ग्राफ है कि अगर ये इक्वेशन है तो ग्राफ ऊपर ही बनेगा जिसमें अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि अल्फा बीटा के साइन पूछ रहे हैं अगर मान लो अल्फा नेगेटिव कर भी दूं लेकिन अल्फा नेगेटिव बहुत बड़ी वैल्यू है तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा ग्राफ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा पर ग्राफ हमेशा ऊपर जा रहा है तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव ही मार्क करके चलना है ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में यस सर इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर गिवन है एज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट एंड अ सेक्शन एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट तो इसमें ये वायर है इसकी लेंथ एल है पोटेंशियल वी है ई इज इक्वल टू वी बाई एल तो वी क्या है आई इंटू आर रेजिस्टेंस क्या है रो इंटू एल बाई ए तो एल नीचे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्योंकि वी बाई एल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई रो बाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड रो के प्रोपोर्शनल है पर रो
किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है, रो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब आप कहेंगे ये भी तो हो सकता है सम कांस्टेंट इनटू एक्स की, गलत है। आपको ये लिखना है रो इज सम रो नॉट इनटू कांस्टेंट इनटू एक्स। वो क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है और रो की वैल्यू एक्स के साथ इंक्रीज हो रही है, तो जब एक्स जीरो है तो कुछ ना कुछ रो नॉट तो होगा ना, जीरो तो नहीं हो सकता रो। अब ये तो नहीं कह सकते रो है ही नहीं, मटीरियल है तो रो तो है ही, इसलिए यहां पर क्या आएगा, रो नॉट तो कम से कम आएगा ही आएगा, ताकि जब आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो कम से कम आंसर रो नॉट आए। तो बस यहां से ये टर्म आ गई। अब मैथ्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यही बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 लिंक्ड है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, नेक्स्ट शीट नंबर 19। तो शीट नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 1, वन क्लियर है, ऑनलाइन भी क्लियर है? यस यस सर। डाउट? तो ये ना फॉर्मूला नोट कर लें इसका, अगर क्लियर है अच्छी बात है। तो अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 और alpha 1 alpha 2, इसकी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, दीज आर जॉइंड इन सीरीज, तो दो वायर की जगह जब एक वायर लगाएंगे उसका इफेक्टिव अल्फा क्या होगा, ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज। ऐसे प्रूफ है R1 alpha 1 R2 alpha 2 R1 plus R2, ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लेना प्लीज, सीधा मार्क करने को आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, सिर्फ सीरीज के लिए वैलिड है। तो इसके अंदर करना कुछ नहीं है यार, ये इंडिविजुअल वायर की पहले रेजिस्टेंस निकाल लो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फिर ये सीरीज में लगा दो, तो साफ पता लग रहा है कि जब आर वन आर टू सीरीज में होंगे तो अल्फा की वैल्यू है। तो आप फॉर्मूला याद करो, इसका बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। 2 में दो रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2, डिफरेंट मटीरियल हैं, अल्फा एंड बीटा टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, एक अल्फा और एक माइनस बीटा है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 सीरीज में विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अगर R1 R2 की रेशियो क्या होगी, देखो R1 और R2 के हिसाब से ये R1 है, R1 into 1 plus alpha into t, ये R2 है 1 minus beta into t, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म आ गई। ठीक है, ये टर्म आ गई, तो इन्हें क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड ऐड किया, ऐड करके इसे ओपन करके ये टर्म आ गई। अब ये जो नई रेजिस्टेंस है और ये पुरानी रेजिस्टेंस है, वो कह रहा है ये अगर बराबर है और टेम्परेचर से इनका लेना देना नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो भी ये सेम रहे, ऐसा तभी हो सकता है जब ये टर्म उड़ जाए, ये टर्म हट जाएगी, तो नई और पुरानी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। और ये कब हटेगी, जब ये टर्म जीरो होगी, जीरो कब होगी, जीरो करके आंसर आ गया, तो R1 by R2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, beta by alpha, तो R2 by alpha R2 by R1 alpha by beta, मार्क कर लेना ऑप्शन। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें? ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6th में डाउट,
सिक्स्थ में सर। देखो, जो ये देख रहे हो ग्रे कलर का एरिया, करंट इसमें एंटर करेगा। लेंथ देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अंदर की तरफ लेंथ सबकी सेम है वायर की, तो ये कितने एरिया में करंट एंटर करेगा, ए स्क्वायर। इसमें कितने एरिया में एंटर करेगा, फर्स्ट में आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर की साइड क्या है रूट थ्री ए और इनर की साइड क्या है रूट टू ए, तो माइनस कर ले क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, क्योंकि फिर से ए स्क्वायर। इसके अंदर करंट एंटर करेगा इस एरिया में, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इनर एरिया में साइड क्या है ए, ये देखो माइनस करके क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्क्वायर। तो तीनों वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, लेंथ तो सबकी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। क्लियर है यहां तक? तो इसके लेंथ अंदर कैसे, हाँ बोलो, लेंथ कैसे सेम है तीनों की? इसमें वो कह रहा है सेम लेंथ एंड मटेरियल, रो और लेंथ तो सेम है, गिवन ही है। तो लेकिन यहाँ पे तो लाइक तीन स्क्वायर से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, उसने बोला ना इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन समझते हो, बस ये दिखा रहा है ये पोर्शन, लेंथ अंदर की तरफ सेम है सबकी, सेम लेंथ सेम मटेरियल, तो यानी कि यहां पर मैटर क्या कर रहा है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया भी सेम आ गया, लेंथ भी सेम आ गई, तो रेजिस्टेंस भी सेम आ गई। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन डाउट है? यस सर, डाउट है। फिफ्थ में भी? ओके, फिफ्थ में ये एक ट्यूब है, अंदर से खाली है, लेकिन ये ना मटेरियल है इसका, कैसे, ये कवरिंग है इसकी ऐसे, ये आउटर रेडियस आर टू है और इनर रेडियस क्या है आर वन है, ये तो हॉलो है, तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट जाएगा, बस इतने जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाले इसमें, तो कितने में जाएगा ये देखो, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन में, यानी कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया, बाकी आसान है, रो एल बाई ए आंसर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि आपके पास एक वायर है और आपको उस वायर के रेजिस्टेंस को चार गुना करना है, क्वाड्रेपल, फोर टाइम्स करना है, तो आपने क्या किया, पूरी वायर को नहीं खींचा, आपने पार्ट ऑफ लेंथ को खींचा, पार्ट ऑफ लेंथ का मतलब उसका कुछ हिस्सा खींच के स्ट्रेच कर दिया, ताकि रेजिस्टेंस फोर टाइम्स हो जाए और लेंथ कितनी हो जाए, 1.5 टाइम्स हो जाए, तो आपको बताना है कि पार्ट ऑफ द वायर वाज अ फ्रैक्शन इक्वल टू व्हाट, तो कितना फ्रैक्शन आपने खींचा ये बताना है। चलो आप पहले एक चीज बताओ, पहले केस ये था, वायर की लेंथ एल थी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, और मान लो आपने एक्स पोर्शन को खींच दिया, इसकी रेजिस्टेंस आर थी, तो कितने पोर्शन को नहीं खींचा, एल माइनस एक्स। अब आपने इस पोर्शन को खींच दिया, तो जब आपने इस पोर्शन को खींचा, इसको तो नहीं खींचा, तो इसका एरिया तो ए रहेगा, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ओवरऑल वायर की 4R हो जाएगी। तो ये बताओ कि इसकी लंबाई क्या हुई, टोटल लेंथ 1.5L, नई लेंथ गिवन है 1.5L, ये एज इट इज है, तो फिर ये लेंथ क्या होगी, इसमें से इसे माइनस करके आंसर ये आ गया, तो जो एक्स पोर्शन ऑफ लेंथ थी वो इसके इक्वल हो गई, राइट, क्लियर है, लंबी होके इसके इक्वल हो गई, इसमें हमने इसको टच नहीं किया। अब चाहे कुछ भी खींच लो, स्ट्रेच कर लो, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो पहले वॉल्यूम कितना था वायर का, एरिया इंटू लेंथ ये रहा, अब नई वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एल माइनस एक्स ये रहा, प्लस ए डैश इंटू दिस लेंथ इज दिस, तो ए डैश इंटू दिस लेंथ, सॉल्व करके ए डैश आ गया, सॉल्व करके ए डैश आ गया। अब मेरे को पता है कि जो नई रेजिस्टेंस है इस वायर की वो 4R है, 4R का मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या है, रो एल माइनस एक्स बाई ए, रो एल माइनस एक्स बाई ए, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, रो इंटू लेंथ, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ए डैश, तो रो इंटू दिस लेंथ अपॉन ए डैश, इस ए डैश की वैल्यू को यहां से यहां पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, एक्स और एल आ जाएगा। उसने पूछा था कितना फ्रैक्शन खींच दिया, तो कितनी लेंथ खींची थी x और कितना फ्रैक्शन था l का x by l, यहां से आंसर आएगा। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लगाया इसमें, सर सिंपलीफाई नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सिंपलीफाई करने की कोशिश करिए, आई मुझे एक बार कैलकुलेशन क्लास के बाद आपको चेक करवानी पड़ेगी, प्लीज इसकी चेक करवानी पड़ेगी, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके सर।
ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है सर क्वेश्चन, इसमें वाला फॉर्मूला नहीं ले सकता, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वाला, तो हमने पार्ट स्ट्रेचिंग वाले इस, वायर नहीं वाले नहीं को नहीं नहीं बाहर नहीं कर। देखो ये पार्ट स्ट्रेच हुआ है, पूरी वायर स्ट्रेच नहीं हुई, इसका एक पार्ट स्ट्रेच हुआ है तो नहीं लगेगा यस उसमें। सर, एट्थ में डाउट है, एट्थ में तो आपको ना डायमेंशंस गिवन है, एक्स, टू एक्स, फोर एक्स, तो आपको क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम किस में है। पहले आप करंट को ऐसे पास करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लेंगे, एक्स इंटू टू एक्स, और लेंथ क्या लेंगे, फोर एक्स। फिर ऐसे पास करें तो फोर एक्स इंटू क्या करेंगे, एक्स। फिर ऐसे पास करें, फोर एक्स इंटू क्या करेंगे, टू एक्स। हर बार एरिया चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, तो तीन बार रेजिस्टेंसेज निकालनी है जिसकी बड़ी वो आंसर। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट। यस सर, 10 में ना ये गलत आंसर लिखा हुआ है। 10th में। हाँ, इसमें ये है कि इस तरफ जाते हुए एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। अब करंट तो सेम रहता है सीरीज में, चेंज नहीं होगा पूरी वायर में, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, करंट डेंसिटी कम हो रही है, आंसर। तो करंट डेंसिटी कम होएगी, ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, सी नहीं होगा। 11th, 11th, 11th में 150 मीटर वायर है, ए और बी में कनेक्टेड है, और 50 वोल्ट है। जब भी ये बातें करें ना, वी ले लो, एल ले लो वायर में, तो ई ले लो, ई इज इक्वल टू वी बाय एल, तो ई उसने दे दिया। अब वो क्या कह रहा है, इफ द कंडक्टिविटी रो गिवन है, करंट डेंसिटी क्या होगी। मेरे ख्याल से ये यूज कर लो, सिंपल है, कंडक्टिविटी पता है, सिग्मा आ जाएगा, ई वी बाय एल है, एक लाइन में आंसर डन, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डन, क्लोज। ये सबसे बेस्ट है, ओम लॉ करंट डेंसिटी की फॉर्म में। नेक्स्ट 20th, यही है ना 20th? हाँ, शीट नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। यस सर, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि वो कह रहा है एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, और एक सेल जिसकी ईएमएफ ई है, और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्टार्टिंग फ्रॉम मिड पॉइंट पी ऑफ द कंडक्टर, ये पी है, कंडक्टर का मतलब वायर, तो वायर के मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है आपने, और करंट की डायरेक्शन में जाना है। अब करंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपने वी प्लॉट करना है, इसका क्या होगा डिस्टेंस के साथ। तो जब मैं यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो बीच में रेजिस्टेंस आ रही है, जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूँ और रेजिस्टेंस आ रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, माइनस आई आर, माइनस आई आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। फिर बीच में बैटरी आ गई, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब ये बढ़ गया, और फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस आ रही है, फिर डिक्रीज हो रहा है आंसर। तो आंसर आ गया डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, पर ये शार्प इंक्रीज नहीं होता। सुनो 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 सुनो, बैटरी के अंदर ये शार्प इंक्रीज कभी नहीं होता, स्लोप के साथ होता है। अब बोलो, तो फिर इस केस में आपको स्विच ऑफ लॉ के हिसाब से करना है। क्वेश्चन क्या, फर्स्ट केस में इस क्वेश्चन में हमें स्विच ऑफ लॉ के हिसाब से करना है। हाँ बिल्कुल, कि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। ओम लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, सर, अगर उस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती तो सीधा नहीं होता ग्राफ हाँ फिर सीधा हो जाता, पर फिर ई। हाँ फिर ठीक है, फिर ऐसे हो जाता, राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस का ओके चक्कर है, स्लोप दे रही है। सेकंड, थर्ड, थर्ड का आंसर 5 एम्पियर है, वैसे बता दूं इसका 5 एम्पियर आंसर है, ऐसा ही है, डाउट है? सबसे पहले ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आ गया, तो 9/9 1 करके 9 एम्पियर आ गया, 9 एम्पियर करंट डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, 1 1 1 1 1 एम्पियर में,
सब में एक एक एम्पियर है। अब यहां पर ये एक एम्पियर आया, यहां से एक एम्पियर आया, एक एम्पियर, एक एम्पियर और एक एम्पियर, कुल मिला के कितना हो गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हुआ, तो 5 एम्पियर मिलके, 4 एम्पियर मिलके वापस 9 एम्पियर आंसर। तो एमीटर में कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंसेस है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसमें? ए में और बी में, ए और बी में। तो ए और बी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्या होगा? सबसे पहले ये बैटरी है, ये बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 5 5 और 5 ओम है, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। 2 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा इक्वली सब में, क्योंकि सीरीज में है, तो 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3, तो इसमें 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3। ओम लॉ क्या कहता है? ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? किरचॉफ वो ओम लॉ, ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके आंसर, ऐड सॉरी मल्टीप्लाई क्या करना है, तो वैसे ही हो गया 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, वैसे आंसर 4 बाई 3 हो गया। अभी तो हमने ओरली निकाल ही लिया ये कौन सा करंट है, सही है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7 में डिस्कस करना चाहता हूं। 7th क्वेश्चन के अंदर कितने लोगों का आंसर 8 ओम आ गया? वैसे देखो इसके अंदर ए और बी इनके बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस काउंट होगी, ये भी 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 होगी, पर ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि ये लूज वायर है, इसमें करंट नहीं जाता, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपने कंसिडर नहीं करना। अब दूसरी चीज ये समझो, जब करंट यहां से आएगा तो करंट इसमें से ऐसे जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा नहीं, इसमें से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसी वायर लगा दी जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो करंट यहां से आ रहा है वो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, उसको एक ऐसा रास्ता मिल गया बी तक जाने का जो कि रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता, तो ये वाला पार्ट यहां से हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब क्या होगा? ये दोनों किसमें? सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में, जो आंसर आएगा 2 और 5 के साथ सीरीज में आंसर 8 ओम आएगा पक्का। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? रूल समझ में आ रहे हैं? तो शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बिल्कुल भी देखना ही नहीं आपने, बात ही खत्म है। ये भी नहीं देखना आपने, ये भी नहीं देखना आपने, और ये भी नहीं, बाकी सब देखने आंसर, अब हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? सर अगर बी पॉइंट, सर अगर बी पॉइंट से शुरू करेंगे तो फिर 4 ओम और 2 ओम नहीं शॉर्ट सर्किट होगा? बी पॉइंट से शुरू क्या करना है? जब ए और बी के बीच में निकाले, जहां से मर्जी शुरू कर लो, यहां से शुरू कर लो, कोई बात नहीं, तो करंट यहां से ऐसे चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? डायग्राम तो वही बनेगा, तब भी नीचे वाले हाँ मतलब बिल्कुल हटकर नहीं शॉर्ट जाएगा, तब सर्किट देखो होगा। चाहे ऊपर से चाहे नीचे से रूल सेम होता है, कोई फर्क नहीं। ओके सर। नेक्स्ट 7 के बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी 8, देखने में पता नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज 6 3 8 और 4, देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ध्यान से देखो, 6 3 8 4, पता लग ही रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, 10 उड़ेगा आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी देखा करो कि रेशियो तो नहीं सही आ रही, रेशियो सही आ रही है तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th में ये यहां से बैटरी से करंट आया, डिवाइड हो गया कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, वैसे उसकी रेजिस्टेंस नहीं है, सारा ही ऊपर से आएगा, इसमें जाएगा ही नहीं, तो फिर यहां के कुछ लेफ्ट कुछ राइट देख लो, फिर 2R में लेफ्ट की तरफ है, डन। ओ राइट टू लेफ्ट क्यों है? 2R में हाँ राइट टू लेफ्ट है, ठीक है राइट टू लेफ्ट, ठीक है ठीक है। शीट नंबर 20 के बाद शीट नंबर 21, शीट नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, शीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसमें साफ पता लग रहा है कि अगर ये वी वोल्ट है, अगर ये वी डैश है, तो ये भी वी डैश है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ही नहीं है, हो गया ना पैरेलल, पैरेलल है तो इसकी जगह
पैरेलल लगा के जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में पूरी वायर की रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, ठीक। और ये पी और क्यू दो ऐसे पॉइंट हैं जो इसके क्वाड्रेंट पे हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ये लेंथ 1/4 है, तो ये लेंथ कितनी है 3/4 है। अब जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अगर टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या होगी 1/4 × 10, और इतने की क्या होगी 3/4 × 10। ये भी क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये वैल्यू आ गई आर वन आर टू की। तो ऊपर की वैल्यू 7.5 आ गई, नीचे की कितनी आ गई 2.5 आ गई। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गई, 7.5 और 2.5 पैरेलल में है, तो आंसर 15/8 हो गई। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1, तो करंट आई की वैल्यू क्या होगी 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15/8 प्लस 1, तो करंट की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? तो टोटल करंट आई आ गया, तो जो टोटल करंट आई है वो I1 I2 में डिवाइड हो जाएगा रेशियो में 7.5:2.5, तो करंट की रेशियो आ जाएगी, तो यहां से करंट आ जाएगा आंसर। करंट निकालना है, करंट निकाल लेना, बेसिक डायग्राम तो इसको हटा के ये बनाना है, बस बात खत्म, बाकी तो कर ही लोगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है सर? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जो दोनों पार्ट्स हैं वो पैरेलल में, तो फिर वी इज इक्वल टू आई लगा दो, दोनों में 3 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस पता है तो आई आ जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, ये तो किया था, डिटैच कर दो इसे, याद है? इतना लंबा लेक्चर देना पड़ा एक इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ, ठीक। फिर स्टार डेल्टा भी करवाना पड़ा इसके साथ, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 6th क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज एस, तो दो रेजिस्टेंसेज आर वन एंड आर टू और सीरीज के अंदर एस है। व्हेन दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस इज पी, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई पी, और क्वेश्चन में क्या गिवन है एस इज इक्वल टू एन इंटू पी, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्या होगी? ये सीरीज है, ये पैरेलल है, एन टाइम्स कर दिया आपने, तो यहां से ये इक्वेशन आ गई। यहां से आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर क्या होगा, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस 4 R1 R2। ये भी क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर क्या होगा, आर वन आर टू इसके नीचे आ गया, ये रहा, ठीक, इसके नीचे आ गया, तो इसके अंदर एन की जो वैल्यू होगी, ठीक, वो कम से कम 4 तो होगी होगी, तो 4 प्लस ये टर्म, तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, डाउट। 9 में देखो साफ पता लग रहा है कि ये और ये पैरेलल, ऐसे ये पैरेलल, ये लेना नहीं है, लूज वायर है, तो ये दोनों सीरीज में 2R और इसके साथ पैरेलल, RRR पैरेलल, तो आंसर R/3, ये रहा, तो इसकी जगह R/3, ये रहा 2R और R, ये रहा R और 2R, यहां से रह गया R/3, यहां एक और आएगा R/3। अब कर लेना सॉल्व, अब देखो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, आपस में पैरेलल में, कर लेना सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10 में आपको टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम गिवन है और सारी लेंथ बराबर है, देखो 5, 5, 5 और 5 लेंथ अगर बराबर है, कितने टुकड़े हैं 1, 2, 3 और 4, तो 24/4 6 6 6 ओम हो गया, आ गया आंसर। ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, आंसर क्लियर है यहां तक? गुड आउट। 6th क्वेश्चन, फिर से एक बार 6th क्वेश्चन का है, 6th, ये रहा, कह रहा है सीरीज के अंदर जो वैल्यू है एन टाइम पैरेलल की वैल्यू है, ये यहाँ चली गई, होल स्क्वायर बन गया। आप एक काम करो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB, तो ये टर्म आ गई आपके पास। आर वन आर टू इसके नीचे आ गया, ये टर्म आ गई आपके पास,
तो अगर ये हट भी जाता है तो कम से कम चार आंसर तो फिर भी आएगा, तो मिनिमम वैल्यू इज फोर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर टू, ये शीट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, डाउट है। देखो ध्यान से देखने वाला है इसमें, ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, मिलके कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस वायर में कितना हो गया, 5 हो गया मानते हो। इसमें 5 एम्पियर है, जंक्शन आ गया बीच में, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर है, और इसमें कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो इसमें कितने एम्पियर है, 3 एम्पियर है, तो इसमें 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये कितना है, 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो कुल मिला के 6 एम्पियर है, ये 6 है, ये 2 है, तो ये कितना है, ये 8 एम्पियर है। कोई डाउट इसमें, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में हर बैटरी की ईएमएफ चेंज हो रही है, बैटरी की ईएमएफ कैसे है, ई ऑफ एन इज 1.5 इंटू आर ऑफ एन, जैसे अगर एन 1 पुट करते हैं तो ई 1 क्या होगा, 1.5 आर 1, ई 2 क्या होगा, 1.5 आर 2, एंड सो ऑन। तो जब ये सब सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल ईएमएफ 1.5 आर 1, 1.5 आर 2, एंड सो ऑन, और यहां से ये कैंसिल, आंसर 1.5। ठीक, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया हुआ है, मैंने आपको शीट नंबर 23 सब्जेक्टिव में करवाया था, कुछ बैटरी सीधी कुछ उल्टी कनेक्टेड है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखो ए और बी के अंदर दो बैटरी, ये बैटरी रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, इन किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी ई वन इंटू आर टू प्लस ई टू इंटू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी। कोई डाउट इसमें, ठीक है, यहां तक इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको ई वन और आर वन, ई टू आर टू अपने मन में कुछ भी सिलेक्ट कर लें, जैसे ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, या मान लो 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, कुछ भी, तो ई इक्विवेलेंट निकालने रैंडम वैल्यूज के साथ आप चेक करेंगे, जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो ई वन से 1 वोल्ट से बड़ा होगा और 3 वोल्ट से छोटा होगा, आंसर मार्क कर देना। आगे से ये भी नहीं करना, आगे से ये रिजल्ट ही याद हो गया हमें, जब पैरल कॉम्बिनेशन में बैटरी है तो ई इक्विवेलेंट ई वन और ई टू के बीच में कहीं लाई करेगी, बात खत्म। वैसे रैंडम, ऐसे क्वेश्चन रैंडम वैल्यू से चेक किए जा सकते हैं, इन इक्वालिटीज आप मैथ में भी करते ही हैं शायद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, सेवन्थ में ना इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस वो कह रहा है वी और आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ की स्लोप क्या होती है, रेजिस्टेंस, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस क्या आएगी, एक्स अपॉन वाई, तो रेजिस्टेंस ये आपको क्या निकालना है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, 1/R यानी कि वाई बाई एक्स। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, ठीक, ये थी शीट नंबर 22।